हाय, मैं हूं डॉक्टर अनिल सेठी और आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अपनी आंखों को आप सेहतमंद कैसे रख सकते हैं। मतलब कि मैं आपको आज आई हेल्थ के बारे में कुछ टिप्स दूंगा। तो अपने आंखों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, तो सबसे पहली बात आती है कि एक बैलेंस डाइट लेना, जिसमें बहुत कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हों, जिसमें कि कुछ एसेंशियल विटामिंस और मिनरल्स होते हैं जो हमारी आईज़ को चाहिए होते हैं, जिससे कि आंखें स्वस्थ रहती हैं। दूसरी चीज़, अपना बॉडी वेट मेंटेन करें। देखा गया है कि मोटापे के साथ शुगर और बीपी जैसी समस्याएं जुड़ी होती हैं, जिनकी वजह से आंखों का नुकसान हो सकता है। तीसरी चीज़ है हमारे पास कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करें और उसी के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर रेगुलेटेड या नॉर्मल रेंज में रहेगा और शुगर और बीपी से होने वाले नुकसान हमारी आंखों में नहीं होंगे। चौथी चीज़ है कि सनग्लासेस पहने। सनग्लासेस इसलिए कि जो सूरज की किरणें हैं, इसमें कुछ हार्मफुल यूवी रेज होती हैं, जिसकी वजह से सफ़ेद मोतिया जल्दी आ सकता है, आंख की सतह ख़राब हो सकती है और ये आंख के पर्दे को भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। पर ध्यान रहे कि आपकी जो सनग्लासेस हों वो उनमें जेन्युइन यूवी प्रोटेक्शन वाले लेंसेज लगे हों, तो उसका आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तीसरी जो पांचवी चीज़ है कि अपना आप प्रोटेक्टिव आई वेयर पहने। अगर आप किसी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में हैं या फिर आपको कोई हैंडीमैन है, आपको कोई लेबर वाला काम करना है, जैसे वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, ऐसे में आपको प्रोटेक्टिव आई गियर पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्राइंडिंग व ये वेल्डिंग के टाइम पे जो पार्टिकल्स हैं वो आंखों में गिर सकते हैं, आंखों में चोट लग सकती है। और ऐसे ही अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तब भी आपको अपना प्रोटेक्टिव आई गियर पहनना ज़रूरी है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी लाइफस्टाइल चेंजेस पर, जैसे कि स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से पर्दे में एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन के चेंजेस देखे गए हैं, तो स्मोकिंग हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। और फिर आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली में ग्लोकोमा या काला मोतिया की हिस्ट्री है, तो आप एक अप्रोप्रिएट एज पर, मतलब 20 की एज के बाद, अपना रेगुलर आई चेकअप, आई प्रेशर कराते रहें, जिससे कि आप अपनी आईज़ के बारे में अपडेटेड रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि काला मोतिया एक साइलेंट किलर है, वो बहुत लेट रियलाइज़ होता है पेशेंट्स को जब बहुत डैमेज हो चुका होता है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ग्लोकोमा की तो या काला मोतिया की, तो आप अपने आई स्पेशलिस्ट को रेगुलरली चेक कराते रहें। या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की या ब्लड प्रेशर की बीमारी की हिस्ट्री है, तो अपना बीपी व शुगर भी टाइमली चेक कराते रहें। फाइनली, अगर आप 40 साल से ऊपर आपकी उम्र हो गई है, तो इस एज के बाद आई में कुछ एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं, जिसके लिए आपको अपने आई स्पेशलिस्ट के पास रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं वो लोग जो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, तो अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते व उतारते टाइम अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करें। मतलब अपने हाथ अच्छी तरह सोप से धोकर फिर अपने लेंसेज को उतारें। अपने लेंसेज को कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन में ही स्टोर करें, और अगर जब उनकी टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है, सपोज़ मंथली डिस्पोजेबल लेंसेज हैं, तो उनको 30 डेज से ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर रेकमेंडेड यूसेज टाइम 6 to 8 आवर्स हैं, तो उनको उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। ओवरनाइट लेंसेज यूज़ करना अवॉइड करें। आजकल हमने देखा है कि सबका कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आप अपने कंप्यूटर की ब्राइटनेस को एक अप्रोप्रिएट लेवल पर रखें, जो आपकी आईज़ के लिए कंफर्टेबल हो। काफ़ी कंप्यूटर्स में एक नाइट मोड का ऑप्शन होता है, जिससे कि जो कलर्स हैं थोड़े वार्मर टोन में आ जाते हैं, थोड़े येलोइश टोन में आ जाते हैं, उससे आपकी आईज़ पर स्ट्रेन कम पड़ता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अगर आपको लैपटॉप पे काम करने से हेडेक होता है, तो आप हर 30 to 40 मिनट्स पर आप 6 to 7 मीटर्स दूर देखें फॉर 10 to 15 सेकेंड्स, उससे आपकी आईज़ को आराम मिलेगा। आपके मसल्स जो टेंस हो जाते हैं नज़दीक देखने, लंबे समय तक नज़दीक देखने पर आपके आईज़ के मसल्स जो टेंस हो जाते हैं वो रिलैक्स होंगे,
आप हर 2 घंटे पर 5 मिनट के लिए अपनी आईज बंद करें अगर पॉसिबल हो तो, और ध्यान दें कि आप डायरेक्टली एसी या सर्दियों में हीटर के सामने ना बैठें, उससे आईज में ड्राइनेस फील होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर हम अपने आईज की जो है हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से विटामिंस मिनरल्स हैं जो आई हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। तो हम जानते हैं कि बहुत कॉमन नॉलेज है कि विटामिन ए बहुत ही एसेंशियल है आईज़ के लिए। तो विटामिन ए काफ़ी एसेंशियल है क्योंकि जो पर्दे में रोशनी के लिए जो पिगमेंट होता है वो भी विटामिन ए से डराइव होता है। जो आँख की सतह है वो उसको भी विटामिन ए हेल्दी रखता है। बट आजकल विटामिन ए डेफिशिएंसी उतनी कॉमन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने मेजर लिए हैं कि प्रेग्नेंट वीमेन को या बच्चों को विटामिन ए की डोज मिलती रहे, और इसकी वजह से अभी विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत कम हो गई है। दूसरे भी विटामिन्स हैं जो आई हेल्थ को प्रमोट करते हैं, जैसे कि विटामिन B6, B9, B12। ये तीनों विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आईज़ को हेल्दी रखते हैं। इसमें एजिंग के चेंजेस को, जो एज से जो उम्र के साथ साथ जो आने वाले चेंजेस को स्लो करते हैं। जो विटामिन B12 है उसको देखा गया है कि वो एक हमारे रक्त में एक पदार्थ होता है होमोसिस्टीन। ये होमोसिस्टीन के लेवल्स को रेगुलेट करता है। होमोसिस्टीन बढ़ने से आँखों में जो रक्त का प्रवाह है वो रुक सकता है और पर्दे में नुकसान हो सकता है। तो जो विटामिन B12 है वो एडिक्वेटली लेते रहें। नॉन वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है, बट जो शाकाहारी या वेजिटेरियन लोग हैं उनकी डाइट में B12 की कमी पूरी नहीं हो पाती है, तो उनको विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन लेते रहना चाहिए। फिर दूसरे विटामिन बी के जो टाइप्स हैं, विटामिन B5 है जिसको नियासिन बोला जाता है, या B1 जो थायमिन है, ये दोनों भी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। वो ये कैटरैक्ट वगैरह की डेवलपमेंट को स्लो करते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं विटामिन सी व विटामिन ई पे। ये भी देखा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट्स ही हैं और ये भी एज रिलेटेड चेंजेस को स्लो करते हैं। बट इनका एक एडिड अलग बेनिफिट ये है कि ये जो कॉलेजन है आइज़ में, जिससे कि आँख का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आँख का जो सफ़ेद हिस्सा है या जो पुतली है, ये सब कॉलेजन से बने हुए हैं। तो विटामिन सी और विटामिन ई जो है वो कॉलेजन को बनाने में मदद करते हैं। तो ये आपके आई का जो सरफेस है उसको हेल्दी रखते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं कुछ और पदार्थ होते हैं जैसे कि ल्यूटीन और जियाजैंथिन। अब ल्यूटीन और जियाजैंथिन फलों में पाए जाने वाले पिगमेंट्स हैं, या फिर जो रंगीन सब्जियां या फल होते हैं उनमें ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और डाइट में इनको इंक्लूड करने से आंखों के अंदर जो एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है, पर्दे में कुछ चेंजेस आते हैं उम्र के साथ, उनको ये रोकता है ल्यूटीन और जियाजैंथिन। बहुत सारी फॉर्मुलेशंस, बहुत सारे सप्लीमेंट की फॉर्मुलेशंस में आजकल ल्यूटीन और जियाजैंथिन आ रहा है। इसके बाद आ जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर। अब सबकी आईज में, पलकों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनमें एक तेल प्रोड्यूस होता है। ये तेल या फैट जो है आँखों की जो नमी बना के रखता है, ये आँखों के ऊपर एक परत बना के रखता है जिससे कि जो नॉर्मल टीयर्स हैं वो इवेपोरेट नहीं होते और ड्राइनेस नहीं होती। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़रूरी हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनको ड्राई आईज हैं या फिर जिनकी पलकों में जो ग्रंथियां हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बाकी भी जो आँख के अंदर कोशिकाएँ हैं उनके अंदर पाया जाता है, और जनरली ये आई हेल्थ को प्रमोट करता है। तो ये है जो मेन विटामिन्स हमारी आई हेल्थ में इन्वॉल्व हैं। आई होप ये जानकारी आपके काम आएगी। मेरी तरफ से और सिंपली हेल्थ की तरफ से थैंक यू।